आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल फॉर्मूले में दूसरी फॉर्मूले की कैटेगरी, वो है टेक्स्ट फॉर्मूले की कैटेगरी। हमने लॉजिकल फॉर्मूले की कैटेगरी को कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो हम बात करने जा रहे हैं टेक्स्ट फॉर्मूले की कैटेगरी में। सबसे पहले आपको फॉर्मूला बैटेक्स दिख रहा है, जो कि इंडिया में यूज नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये नंबर को टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है बट बाथ लैंग्वेज में। अब ऐसा क्यों है आई डोंट नो, बट बाथ लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये मत समझिए कि कोई यूरिया कन्नड़ या तमिल भाषा है, नहीं, ये थाई लैंग्वेज। अब मुझे इसका पता कैसे चला? मैंने उसको उठाया और गूगल ट्रांसलेटर पे जाके डाला। और यहाँ ऑटो डिटेक्ट ऑप्शन में यहाँ पे थाई आ गया ना, और यहाँ पे देखिए 150 बार थाई में कन्वर्ट हो गया। इससे पता चला कि थाई लैंग्वेज। ओके, बट अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो उसके लिए अलग तरीका है। उसके लिए हमने फॉर्मूला है हमारे पास VVA का, वो यूज करते हैं, नॉर्मल फॉर्मूला नहीं। उसके बाद हमारे पास कुछ फॉर्मूले होते हैं क्लियर कट ट्रिम के, ये सब जो फॉर्मूला है, चलिए हम आपको बताते हैं। उससे पहले हम कैर एंड कोड को समझते हैं। जैसे हमने कोई ऐसा लेटर यहाँ पे लिखा और इसमें हमने कोड का फॉर्मूला लगाया तो इसको कोड में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, इसको इसने कोड में कन्वर्ट कर दिया। फिर वापस हमारे पास कैर का फॉर्मूला होता है जो इसको करेक्टर में कन्वर्ट कर देता है। तो कोड में और करेक्टर में, दोनों में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट सर? उसके बाद अब इसका यूज क्या है हम आगे नीचे बताते हैं। अब हमारे पास एक चीज और, कि जब नाम लिखते हैं तो उसमें एक एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। हम स्पेस बीच में भी दे सकते हैं और हम पहले ही स्पेस देके लिख सकते हैं, या कहीं से कॉपी पेस्ट भी करते हैं तो यहाँ पे दिक्कत होती है। तो हमारे पास एक ट्रिम का फॉर्मूला है जो कि अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। स्पेस को रिमूव नहीं करता, देखिए सुजीत कुमार में, देखिए टी और कुमार के बीच का स्पेस इसने रिमूव नहीं किया। तो इसने क्या किया, अनवांटेड जो स्पेस है उस अनवांटेड स्पेस को रिमूव करता है। अब कभी कभी क्या होता है कि हम रैप टेक्स्ट यूज कर लेते हैं सुजीत, और हमने ऑल्ट एंटर किया और यहां पे हम कुमार कर देते हैं। तो अगर मैं यहां पे टीम का फॉर्मा लगाता हूं तो सुजीत कुमार दिख रहा है। अब यहां पर देखिए कि मैंने यहां पर अगर लेन का फॉर्मा लगा दिया तो क्या होगा, लेन का फॉर्मा लगाने से यहाँ देखिए 12 दिख रहा है, लेकिन आप मैनुअल काउंट करें तो मेरे नाम का स्पेलिंग टोटल 11 होना चाहिए। तो टी और के बीच में एक अन क्या बोलते हैं उसको, नॉन पेंटेबल करेक्टर है। जी हाँ, टी और के बीच में। तो ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है कि आपको दिखेगा तो सेम बट मैच नहीं करेगा, क्योंकि उसमें कुछ हिडन करेक्टर होते हैं। ऐसे हिडन करेक्टर को रिमूव करने के लिए हम क्लीन का यूज करते हैं। इसका क्लीन का, अब मैं इस पे लेन फॉर्मूला, लेंथ बताता है कितना करेक्टर का है। तो अब देखिए इसने 11 आपको दिखा दिया, 11 दिखा दिया, अब करेक्ट दिखाया। तो क्लीन और ट्रिम का फॉर्मूला हम डेटा को क्लीन करने के लिए, डेटा को सही करने के लिए करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सुजीत कुमार के बीच में सेपरेटर होना चाहिए, मतलब एक कोई स्पेस वगैरह होना चाहिए, मतलब कि आप चाहते हैं कि नॉन प्रिंटेबल करेक्टर को रिप्लेस कर दे स्पेस से या किसी और से। तो चलिए पहले हम रिप्लेस फॉर्मूले के बारे में जानते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर कोई डेटा है, मान लीजिए मैंने डॉट लगाया, तो मैं चाहता हूं कि जितने भी डॉट है वो डैश में कन्वर्ट। तो हमारे पास सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला होता है,
जैसे उसको सेलेक्ट करते हैं और बोलते हैं डैश को डॉट जो है यहां डॉट बना दो, डैश को डॉट बना दो। तो देखिए सॉरी माफ कीजिएगा क्योंकि ऑलरेडी तो डॉट था ही, उल्टा कर दिया हमने यहाँ पे, क्या हुआ सुबह सुबह हमने डॉट डैश को डॉट बना दिया सर। लेकिन जब सब्स्टिट्यूट लगा रहे थे तो लास्ट में एक था इंस्टेंस नंबर, वो स्क्वायर ब्रैकेट में था, ऑप्शनल है, डालने की जरूरत नहीं है, डालेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आएगा। तो क्या रिजल्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग, जैसे कि हमने यहाँ पे कॉमा कर दिया वन, मतलब कि वो सिर्फ पहले डॉट को ही डैश में कन्वर्ट करेगा। तो ये पोजिशन हो जाता है कि मुझे पहले नहीं दूसरे को करना है, दूसरे नहीं तीसरे को करना है, ऐसे तो इसलिए करते हैं। तो रिप्लेस का एक और फॉर्मूला होता है, वो होता है क्रीप। अगर मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं यहां पे, हाँ रिप्लेस का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट का। अब मेरे पास एक फॉर्मूला होता है क्लीन का। क्लीन फॉर्मूला क्या करता है, सॉरी माफ कीजिएगा, रिप्लेस फॉर्मूला, फिर बता चुका रिप्लेस फॉर्मूला। रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि आप किसी टेक्स्ट में से किसी नंबर ऑफ, जैसे मान लीजिए कि मुझे छठा नंबर नहीं पांच चौथा नंबर को एक करेक्टर से डिलीट करना है, तो चौथे नंबर से एक करेक्टर को मुझे यहाँ मान लीजिए स्टार करना है। ध्यान से देखिएगा कि G2 के अंदर में चौथे नंबर करेक्टर से एक करेक्टर को स्टार करना है। तो इसका यूज हम लोग करते हैं रिप्लेस में। तो सब्स्टिट्यूट क्या होता है कि वो करेक्टर को फाइंड करता है, फाइंड करके उसको रिप्लेस करता है। और रिप्लेस फॉर्मूला क्या करता है कि पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है। तो यहां पे हम अगर सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मुझे करेक्टर के हिसाब से करना है, सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाएंगे। अब सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में प्रॉब्लम आ गई कि हम इसमें ओल्ड टेक्स्ट कैसे डालें, क्योंकि ओल्ड टेक्स्ट तो ऑल्ट एंटर है, ऑल्ट एंटर से नीचे आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी ना सर, ये तो लेगा नहीं। तो या फिर ऐसे कुछ और भी हो सकते हैं, कुछ और करेक्टर भी हो सकते हैं जिसको आप कीबोर्ड से टाइप नहीं कर सकते, आपके कीबोर्ड में टाइप करने की फैसिलिटी नहीं होगी, तब क्या करेंगे? तो उस करेक्टर को कॉपी करके या फिर आप कहीं पे टाइप कर दीजिए इसे, जैसे मैंने ऑल्ट एंटर टाइप। अब मैंने यहाँ पे कोड का फॉर्मा लगाया, अब मुझे पता किया इसका कोड क्या है। इसका कोड मुझे 10 पता चल गया, राइट? इसका कोड मुझे 10 पता चल गया। तो फिर मैं क्या करूंगा कि मैं सब्स्टिट्यूट फॉर्मूला लगाऊंगा। सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में हमने इसको सिलेक्ट किया और हमने बोला ओल्ड टेक्स्ट में कैर 10 और फिर इसको सेलेक्ट, फिर इसमें न्यू टेक्स्ट में हमने बोला स्पेस दे, एंटर प्रेस करेंगे तो रिजल्ट आपके सामने होगा, ठीक है? क्लियर, कोई डाउट इसमें सर? सर ये प्लीज दोबारा समझा दीजिए, इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको? सब्स्टिट्यूट समझ में नहीं आया या कैर समझ में नहीं आया? इसी चीज को सर थोड़ा दोबारा बता दीजिए। समझिए, सिंपल सी बात समझिए ना कि हमें इसमें जो है एक नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है टी और के बीच में, जो दिखता नहीं है बट है, उसको हमें रिप्लेस करना है स्पेस से। रिप्लेस करने के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला है जो किसी करेक्टर के बिहाव पे रिप्लेस करता है, दूसरा फॉर्मूला है रिप्लेस का जो किसी पोजीशन के हिसाब से रिप्लेस करता है, कि चौथा नंबर सातवां नंबर ऐसे, राइट? तो यहाँ पे करेक्टर को रिप्लेस करना है तो रिप्लेस नहीं लगेगा, सब्स्टिट्यूट लगेगा, समझ गए? अब ये जो नॉन प्रिंटेबल करेक्टर है वो टाइप होता है एक शॉर्टकट से, बस समझे? कीबोर्ड के अंदर उसका कोई की नहीं है जब हम प्रेस कर देंगे, तो फॉर्मूला लगाते समय यहाँ पे जो करेक्टर, जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है सब्स्टिट्यूट में कि भाई डॉट को, तो
तो यहां पे हम टाइप कैसे करें? टाइप तो नहीं कर पाएंगे सर, क्योंकि वो शॉर्टकट से आता है ऑल्ट एंटर, क्लियर है? ठीक है। तो हमने एक अलग करेक्टर पे उस ऑल्ट एंटर को प्रेस करके वो करेक्टर लेके आया, या फिर आप कॉपी पेस्ट भी कर दे सकते हैं कहीं से उठा के। तो कोड ने बताया कि जैसे कि मैंने आपको समझाया कि हर करेक्टर का एक कोड होता है जो कि कोड फॉर्मूला आपको डिस्प्ले करता है। वापस हमारे पास कैल क्या करता है, उस कोड को वापस करेक्टर में लाता है। तो हमने जो टाइप किया था उसका कोड फॉर्मूले से पता किया तो पता लगा कि इसका कोड 10 है, क्लियर है? तो हमने सब्स्टिट्यूट फॉर्मूले में यहां जहां पे करेक्टर देना था इसको इन्वर्टर को हम देते थे, उसके जगह पे हमने कैर फॉर्मूला दे दिया। तो कैर फॉर्मूला ने कन्वर्ट कर दिया इसको करेक्टर दे दिया, जो करेक्टर नॉन प्रिंटेबल है। अगर इसकी प्रोसीजर को देखना चाहे तो एवलेट में जाके देख सकते हैं कि देखिए पहले हमारा सुजीत कुमार आ गया, अब देखिए कैर ने क्या रिटर्न किया, कैर ने रिटर्न किया ऑल्ट एंटर यहाँ पे, और देखिए इसने रिप्लेस करके सुजीत कुमार कर। अब समझ में आ गया? ठीक है जी। अब अगला अगर हम बात करें तो हमारे पास एक और है कि हमारे पास अभी इसको ध्यान से देखिएगा क्योंकि इस पे आप लोगों का रिसर्च देने वाला हूं मैं। कि मान लीजिए कि हमारे पास इस तरह से कुछ यहां पे मान लीजिए फ्लाइट क्लासेस है, फ्लाइट। तो अब मान लीजिए कि आपने पुणे से मियामी के लिए फ्लाइट पकड़ा, तो एक हो एक एक डायरेक्ट फ्लाइट तो है नहीं, आपने दो तीन फ्लाइट को चेंज किया। अब दो जो दो तीन फ्लाइट है, चार फ्लाइट आपने चेंज किया, उस सारे के सारे फ्लाइट में आपको सेम क्लास मिले इसकी गारंटी तो है नहीं। तो एक ट्रेवल कंपनी है जो कि टिकट बुक करती है, आपका टूर बुक करती है। मान लीजिए उसने पुणे से मियामी का आपका टूर बुक कर दिया, उसने उन्होंने पांच टिकट बनाए, पांच फ्लाइट आपको दे दिया कि आपको पांच एयरपोर्ट होते हुए जाना है, पांच जैसे रेलवे स्टेशन में होता है। तो पहले में उसने बिजनेस क्लास दे दिया, दूसरे में आपको फर्स्ट क्लास दे दिया, फिर बिजनेस क्लास दिया आपको, फिर दो इकोनॉमिक क्लास आपको मिल गया। तो ट्रेवल कंपनी कहती है कि मैं मेरा जो एजेंट बुक किया है इस टिकट को, इस टूर को, उसको हम कमीशन देते हैं, और कमीशन का जो होता है फंडा वो क्लास के हिसाब से होता है। तो हमें काउंट करना है कि इस टिकट पे उसने बिजनेस क्लास दो दिया है, फर्स्ट क्लास एक दिया है, और इकोनॉमिक क्लास का दो दिया है, एक काउंट करना है। और इसके पास ऐसे ऐसे बहुत सारे फ्लाइट केसेस हैं, सब पे काउंट करके फिर उसका टोटल निकालेगा, फिर उसके बिहाव से उसको कमीशन देगा। तो चैलेंज दैट कि किसी एक सेल के अंदर में मुझे पता करना है कि कोई करेक्टर कितना बार रिपीट हुआ है, समझ गए? जैसे मुझे बी को करना है तो हमने क्या किया, सबसे पहले लेन का फॉर्मूला है। देखिए ध्यान से रखिएगा, लेन का फॉर्मूला क्या करता है, बताता है कि इसकी कंप लेफ्ट हो गया लेन। लेन की फॉर्मूला क्या करता है, ये बताता है कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ करेक्टर है। फिर मैंने सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाया और हमने बोला कि इसके अंदर बी को रिप्लेस कर दो ब्लैंक से। तो इसने क्या किया, बी को डिलीट कर दिया, मतलब कि ब्लैंक से रिप्लेस कर दिया, कुछ नहीं डाला तो वो डिलीट ही हो गया ना सर, इसने ब्लैंक को डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने वापस लेन का फॉर्मूला लगाया और इसको काउंट कर दिया। तो जब बी था तो 9 था, फिर बी को डिलीट कर दिया तो 7 हुआ, तो कितने बी हुए, तो 9 - 7 आ गया रिजल्ट। अब इसको यहां एक सेल में लगाने के लिए हम बोलेंगे कि लेन, लेन को हमने सिलेक्ट किया, माइनस वापस लेन, और इस लेन के अंदर हमने सब्स्टिट्यूट डाल दिया। यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो या फिर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो फॉर्मूला मर्जिंग मेथड के जरिए, ठीक है सर? रिजल्ट आ गया। अब इसी फॉर्मूले को हम ड्रैग कर देंगे फ्रीज करके, जैसे आपका
तो बाकियों को भी निकाल के दे दिया सर। तो ये समझ में आया आपको? हेलो, किसी को डाउट है इस पे? संतोष जी, मनीष जी? नहीं सर, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आप अलग अलग समझाया ना आपको सर कि हम पहले लेंथ निकालेंगे, फिर हम उसको डिलीट करेंगे, फिर वापस लेंथ निकालेंगे, फिर माइनस करेंगे। तो इसको सर समझ तो गया सर, लेकिन एक चीज बताइए ना सर, जो ये डॉलर लगाते हैं ना सर, वो क्या एड्रेस देता है जो फ्रीज करते हैं? देखिए, डॉलर लगाने का मतलब जो था इसका ये था कि अगर हम डॉलर ना लगाते हैं तो कि हमें साइड में हमें ड्रैग करना था, ठीक है ना, इसको उठा के यहाँ ड्रैग करना था। अगर मैं इसको यहाँ पे ड्रैग करता तो आप देखते कि यहाँ पे आपका जहाँ पे ए 15 था वो बी 15 हो गया सर, हो गया सर। तो मुझे इसको फ्री आगे जब ड्रैग करते ऐसा ना हो, तो ए बी ना हो जाए तो हमने क्या किया, ए के आगे डॉलर लगा। अब मैं इसको ड्रैग करूंगा तो ये हमारा फिक्स रहेगा, ठीक है। आप देखा कि मैंने इसमें 15 के आगे डॉलर नहीं, इसमें लगाया, गलत था, 15 के आगे डॉलर नहीं लगाया, क्यों? क्योंकि जब मैं इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूं तो 15 16 का हो जाए, 17 हो जाए। तो आप अपने हिसाब से रो को क्या था, रो को कॉलम करना है, कॉलम को फ्रीज कर सकते, ठीक है। अब इसमें अगला क्वेश्चन की बात हम करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसी से रिलेटेड है, जैसे कि इसने आपने देखा कि इसने फ्लाइट यूज किए हैं, इन्होंने एयरलाइंस भी चेंज किया है, कि इन्होंने एयर इंडिया का लिया, फिर उन्होंने JF होता है उसका, फिर उसने AA अमेरिकन एयरलाइंस को लिया, AI को लिया इसने, फिर इसने UF को लिया, ऐसे उसने तीन चार, ये आपका होता है ना एयरलाइंस कोड होता है, तो इसने चार एयरलाइंस, तीन चार एयरलाइंस को लिया। अब मुझे यहां पे काउंट करने हैं कि कितने एयरलाइंस लिया गया, बात समझ में आया नहीं सर? हमें क्या करने हैं? काउंट करना कितने एयरलाइंस लिए गए, कैसे काउंट करेंगे सर? ऊपर का मेथड हमें अपनाया है ना, उसी मेथड का यूज करेंगे। सबसे पहले हमको लेन लेंगे कि लेन, और लेन में हमें इसकी कंप्लीट लेंथ निकालेंगे, फिर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट लगाऊंगा और सब्स्टिट्यूट में बोलूंगा कि इसके अंदर जाओ और कॉमा को डिलीट कर दो, हो गया, और फिर इसकी लेन से फिर 14 माइनस 10 मतलब कि जब कॉमा था तब उसकी लेंथ और कॉमा हटने के बाद की लेंथ को काउंट करो, और फिर इसमें एक प्लस कर दो, क्योंकि लास्ट वाला जो है इसके आगे तो कॉमा नहीं होता ना सर, इसे एक प्लस करना पड़ेगा, 5 आएगा। मिनिमम काउंट कर लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, ओके। सिंपल ट्रिक्स है जो हमने यूज किया, समझ में आया सर कि नहीं? हाँ सर, क्लियर है। और किसी को डाउट है इस पे? इसको एक सेल में लगा सकते हो जैसे हमने यहां लगाया इस तरह से। तो चलिए आज की क्वेश्चंस आपको मैं देता हूं, क्योंकि ज्यादा इस तरह कॉम्प्लिकेटेड पढ़ाऊंगा तो दिमाग से निकल जाएगी सारी चीजें। तो आपके आज का क्वेश्चन जो आपको सॉल्व करके देना है, तो जैसे कि हमने एयरलाइंस की ही बात की, तो इसमें कुछ ऐसे होते हैं कि एक ही एयरलाइंस यूज किए जाते हैं, ठीक है, और कुछ है कि यहां पे एक से ज्यादा एयरलाइंस यूज किए जाते हैं। एक टिकट के ऊपर कितने एयरलाइंस यूज किए गए हैं यहां पे दिया गया है। अब आपको ए फाइंड करवाना है कि क्या इसमें सेम एयरलाइंस है या अलग अलग एयरलाइंस है, समझे?
सेम एयरलाइंस है तो यहां पे आपका ट्रू आना चाहिए, अलग है तो फॉल्स आना चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया सर? एयरलाइन क्या आप मतलब ये शॉर्ट फॉर्म है एयरलाइंस का, लाइक एयरलाइन का कोड होता है एयर इंडिया का, एआई हो गया एयर इंडिया, अमेरिकन एयरलाइंस के यार एक एयरलाइन छोड़ दीजिए ना, कोड है, मान लीजिए कोई कोड है, दो डिजिट का कोड है, कॉमा सेपरेट किया गया, हमें पता करना है कि इसमें सेम कोड है। हमने आपको बताया कि कितने कोड है, हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं राइट, हमें यहाँ पे देखना है क्या सबके सेम कोड है या फिर डिफरेंट डिफरेंट कोड है। तो जिसमें सेम कोड है ट्रू कर दीजिए, जिसमें डिफरेंट कोड है फॉल्स हो जाएगा। क्लियर है? जी सर। अब ये आप लोगों का रिसर्च है, आपको करना है और करके मुझे भेजना है। इसके लिए आपके पास पूरे 2 दिन का टाइम है, मंडे को मुझे चाहिए और ये मुझे हर हर एक आदमी से चाहिए।